हेलो एवरीबॉडी मैं हूं तरुण कपूर वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस ऑफ बी एच 2017 सो लेट्स बिगिन यू कैन आल्सो फॉलो माय अदर प्लेलिस्ट ऑन द चैनल दैट इज़ इंडियन पॉलिटी लीगल करंट अफेयर्स आई विच आई हैव क्रिएटेड स्पेशली फॉर योर एल एल द करंट अफेयर सीरीज द ड्यू एल एल बी प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चन एंड द मोक टेस्ट सीरीज जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी थी पूरी यूट्यूब पर सो so आप इसको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करिए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके बाद आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं एज एम प्रिंट्स पर तरुण कपूर फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं मुझसे डाउट पूछ सकते हैं एज एम प्रिंट्स इज द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ऑल्सो जॉइन दैट एट द रेट एजेंट इज़ द ट्विटर हैंडल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट सेक्शन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वो इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ़ इंडिया फर्स्ट इज़ बी एन राव बी आर अम्बेडकर के एम मुंशी एम सी सेतालबाद द करेक्ट आंसर इज बी एन राउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड हु इज द बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है और सचिदानंद सिन्हा थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए थे ठीक है और टम्प्ररी प्रेसिडेंट बनाए थे एक बार के लिए हमने फिर उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को चुना था उसके बाद जो हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट थे टी टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी ठीक है और साथ साथ में जो एच वी आर आयंगार थे वो हमारे हमारे सेक्रेटरी जनरल थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया बिकम अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन जनवरी थर्टी नाइनटीन फोर्टी एट जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी नवम्बर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन ट्वेंटी नाइन करेक्ट आंसर हमारा 26 जनवरी 1950 का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तभी हमने कहा कि हम सॉवरिन हैं डेमोक्रेटिक हैं रिपब्लिक हैं सॉवरिन का मतलब क्या होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं वी आर इंडिपेंडेंट वी कैन कंडक्ट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर हम बाहरी और आंतरिक सारे मामलों को खुद से हैंडल कर सकते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है ठीक है हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द पोजेशन ऑफ़ सुप्रीम पावर इज़ इन द हैंड ऑफ पीपल कि जो लोगों के हाथ में पावर है डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमारे देश में कौन सी डेमोक्रेसी है ठीक है तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है एक प्रेजिडेंशल होती है और एक पार्लियामेंट्री होती है ठीक है तो हमारे देश में इनडायरेक्ट या हम इनडायरेक्ट को दूसरा नाम कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द वर्ड इट सेल्फ इज शोइंग द रिप्रेजेंटेटिव जो शब्द है वही बता रहा है कि जो हमारे लोग हैं वो अपने रिप्रजेंटेटिवस को चुन रहे हैं और वो सरकार को चला रहे हैं ठीक है सो so हमारे देश में इनडायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ठीक है जिसके अंदर एग्जैकटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर नेक्स्ट है Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and the control of scheduled areas in several states? थर्ड स्केडूल है फिफ्थ स्केड्यूल है सेवेंथ स्ड्यूल है नाइन्थ स्कड्यूल है करेक्ट आंसर है हमारा फिफ्थ स्केड्यूल है ठीक है बिकॉज हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है फोर्थ तो बात थर्ड हमारा हमारा वही ओथ्स के बारे में बात कर रहा है फोर्थ शेड्यूल हमारा बात कर रहा है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स की फिफ्थ में हम बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सिक्सथ में हम बात करते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सिक्स में बात की गई है जिसमें मेघालय जो हमारा त्रिपुरा असम और मणिपुर ये चार स्टेट्स आ जाती हैं नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज सम माइनॉरिटीज़ ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट पॉपुलेशन और कलर तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज़ रिलीजन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटीज़ की बात हुई है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ डू रिमेंबर दिस उसके बाद में आ जाता है अंडर विच आर्टिकल कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट रूल बेसिकली राष्ट्रपति शासन लगता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी राज्य में तो हमारा थ्री फिफ्टी सिक्स है थ्री फिफ्टी टू है थ्री सिक्सटी है थ्री सेवेंटी है ओबियसली थ्री फिफ्टी सिक्स है प्रेसिडेंट रूल जैसे ही हमारे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं तो उसको दो महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने पास करना होता है विद इन टू मंथ्स ठीक है राष्ट्रपति शासन अब प्रेसिडेंट रूल के लिए वी हैव नॉट यूज़ द वर्ड एमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डू रिमेंबर दिस ओके हमने कोई एमरजेंसी शब्द का यूज़ नहीं करा है राष्ट्रपति शासन के लिए दो महीने के लिए हमें कर, अप्रूव करना है मैक्सिमम हम किसी भी राज्य के अंदर तीन साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज़ थ्री इयर्स। ओके और उसको और जब वो पास होगा पार्लियामेंट से तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा डू रिमेंबर दिस और उसको हटाता कौन है प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द प्रेजिडेंट रूल नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ ऑफ द एयर चीफ ऑफ द आर्मी द करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑब्वियसली स्पीकर है आपको भी पता होगा स्पीकर है वो लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं स्पीकर को नेक्स्ट क्वेश्चन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेटेड मोस्टली हैं या डायरेक्टली भी हैं और इनडायरेक्टली भी हैं या मेम्बर्स ऑफ लेजिस्टिव असेंब्लीज एंड लेजिस्टिव काउंसिल्स सो य सारे क्वेश्चन ये सारे इनकरेक्ट हैं फर्स्ट इज बेसिकली करेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं जो लेजिस्टिव असम्बलीज के एम एल एज जो होते हैं वही हमारे जो मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेम्बर्स को इलेक्ट करते हैं नेक्स्ट है द टाइम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट आई थिंक लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी था थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स नाइन मंथ्स और वन ईयर द करेक्ट आंसर इज सिक्स मंथ्स की सिक्स मंथ्स का पीरियड होता है एक साल में दो सेशंस होने ज़रूरी हैं टू रिमेंबर दिस उसके बाद में आ जाता है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट हर किसी स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंदिनिंग कि किस तरीके से सशक्तिकरण की बात करी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फोर्टी सेकेंड में फोर्टी फोर्थ में सेवेंटी थर्ड में एटी सिक्स में सारे इंपॉर्टेंट्स हमारे अमेंडमेंट्स हैं ये हमारी सेवेंटी थर्ड में बात हुई है ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रूरल लोकल बॉडीज़ की ठीक है जो हमारा कौन सा स्कड्यूल है एलैंथ स्कड्यूल है पार्ट हमारा कौन सा है नाइन है ठीक है पार्ट नाइन ये है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है डो रिमेंबर दिस नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फिफ्टी में हुआ था फिफ्टी वन में फिफ्टी टू में फिफ्टी थ्री में ऑब्वियसली हमारा पहला अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी वन में आया था नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बैंड द फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट अब फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन एक पार्टी में है ठीक है और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है जो डिविजन होता है तो उस डिवीज़न के अंदर वो अपने पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अपनी सरकार किसी और को दे रहा है तो क्रॉस कर रहा है फ्लोर को ठीक है तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं तो ये कब बैन हुआ था ये हमारा एंटी डिफेक्शन लो की बात कर रहा है ठीक है कि जब कोई पर्सन अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो उसकी मेंबरशिप भी डिसक्वालीफिकेशन हो सकती है वो किस किस सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन हैं वो हमारे फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एड हुई हैं ठीक है एंटी डिफेक्शन लॉ डू रिम्बर दिस उसके बाद विच कोर्ट्स इन इंडिया आर एम्पावर टू इशू रिट्स एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्टन इज ओनली वन और टू ऑबली दोनों के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल थर्टी टू एंड हाई कोर्ट्स के पास अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टन रिट्स ओके एंड टू 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 ट्वेंटी सेवन ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस जो हाई कोर्ट्स के पास है नेक्स्ट है चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑब्वियसली गवर्नर मगर एक बात ध्यान रखना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अपॉइंटमेंट तो हो रही है मगर उनका रिमूवल गवर्नर नहीं कर सकते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे और वो कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर वो करेंगे मगर आपको इतना ही याद रखना ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को चेयरमैन को सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ़ टू थाउजेंड सेवनटीन सो आई थिंक यू हैव आपको समझ आया होगा जितना मैंने आपको बताया है सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फर्गेट टू क्लिक ऑन द बेल बटन सो हॉप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन